हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो यहां से मैं सी लैंग्वेज की हिस्ट्री आपको बताना शुरू करता हूं। सी लैंग्वेज की जो खोज थी वो डेनिस रिची नामक साइंटिस्ट ने की थी। यहां पे देख सकते हैं, सी इज वन ऑफ द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, यानी इसकी खोज किसने की थी, इसे बनाया किसने था, खोज नहीं बल्कि इसे बनाया किसने था, डेनिस रिची ने। कब बनाया था? 1972 में। ये काम कर रहे थे एक प्लेटफॉर्म पर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं पहले के वीडियोस में। यूनिक्स और लिनक्स दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिनमें से यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उसी के ऊपर काम करते वक्त ही इन्होंने इसे बनाया था, यानी सी लैंग्वेज को बनाया था। उसके पहले एक डी लैंग्वेज बनी थी, ठीक है। सी लैंग्वेज 1972 में बन करके तैयार हुई थी, ठीक है ना, 1972 में इसे फाइनल रूप दे दिया गया। अब इसके बेसिक डेटा टाइप जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, जो बेसिक इसके डेटा टाइप्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं, इसके बेसिक डेटा टाइप कौन कौन से है। तो यहां पर देख सकते हैं इंटीजर डेटा टाइप, तो इंटीजर की बात करेंगे। आप चाहे तो कोड ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं कोडिंग के लिए। इंटीजर में प्लस या माइनस वाली वैल्यूज आती हैं। अब यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब होता है कि आप जब कोड लिखेंगे तो उस वक्त क्या लिख करके ये करेंगे। जैसे मान लीजिए ये है ना, यहां पर आप देखेंगे तो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा परसेंट डी, ठीक है ना। तो आप जब कोड लिखेंगे तो उस वक्त इसकी जरूरत पड़ती है। अब ये कैसे जरूरत पड़ती है वो आपको बताऊंगा। तो यहां पे देख लीजिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का परसेंट ही होता है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर बात करूं अगर मैं फ्लोट की, यानी दशमलव वाली वैल्यू जिसमें लिखी जाती है, फ्लोट में दशमलव वाली वैल्यू, और इंटीजर में केवल प्लस और माइनस वाली, कैरेक्टर में केवल कैरेक्टर आएगा। तो इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंट सी होता है, और एक डबल नाम का डेटा टाइप होता है जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंट एलएफ, ठीक है ना। तो ये इतने टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वाली। चलिए आइए चलते हैं अब कोड विंडो पर और वहां पर कोडिंग करके देखते हैं। तो यहां पर आप चाहे तो टर्बो आईडी को यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहां पर कोड ब्लॉक्स को यूज किया है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है आपको बता देना चाहता हूं। यहां पर न्यू फाइल में ले लेता हूं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि यहां पर हमें हेडर फाइल लिखनी चाहिए, जो कि हेडर फाइल होती है हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल होती है। और यहां पर फिर हम मेन फंक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेन फंक्शन। तो ये लिख दिया मेन फंक्शन, और ये मेन फंक्शन लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेना है। जैसे ही कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं तो यहां पर हमें देना है प्रिंट एफ। क्या देना है? प्रिंट एफ। तो इस तरीके से दे दीजिएगा प्रिंट एफ, डोमेटेड कोर्स में लिखिएगा यहां पर एंटर। ये देखिए इस तरीके से ये लिखिएगा एंटर टू नंबर्स, यानी यूजर इस सॉफ्टवेयर को चलाएगा और यहां पर यूजर जो है दो नंबर्स को एंटर करवाएगा, ठीक है, एंटर करेगा। ये सॉफ्टवेयर जो है यूजर्स को कहेगा कि आप दो नंबर्स को एंटर कीजिए, तो यूजर दो नंबर जो एंटर करेगा वो जो है स्कैनअप। अब जब भी यूजर से एंटर करवाने की बात आती है तो स्कैनअप लिखते हैं, जब भी यूजर से एंटर करवाने की बात आएगी तो स्कैनअप हम जरूर लिखेंगे। यहां पर देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको समझ में आएगा। यहां पर हमें क्या करना है? वेरिएबल बनाना है। भैया दो नंबर्स को ऐड करने का या मल्टीप्लाई करने का या डिवाइड करने का, इस तरह का कोई भी प्रोग्राम हम बनाते हैं तो ऐसे में यहां पर सबसे पहले जरूरत पड़ती है डेटा टाइप की। तो यहां पर डेटा टाइप इंटीजर टाइप का ले लेता हूं। इंटीजर को सिर्फ हम इंट लिखते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इंटीजर को सिर्फ इंट के नाम से डिनोट किया गया। ये देख लीजिए, इंटीजर को सिर्फ इंट ही लिखते हैं, पूरा इंटीजर नहीं लिखा जाता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं अब यहां पर। तो इंट लिख दिया और दो नंबर्स को ऐड करना या डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना, जो भी करना है, तो यहां पे दो नंबर्स को करना है। तो दो नंबर्स के लिए एक नंबर ए हो गया, दूसरा नंबर बी हो गया, तीसरा नंबर जिसमें स्टोर करेंगे वो हो जाएगा सी, और यहां पर टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट कैसे होता है, लाइन खत्म कैसे होती है, आपके कंपाइलर को ये पता कैसे चलता है कि ये लाइन खत्म हो गई? तो यहां पर ये जो सेमी कॉलन लगा इसके वजह से ये पता चलता है। यहां पे परसेंट डी दो बार परसेंट डी क्यों? क्योंकि यहां पर एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, सी में जाके चीजें स्टोर होंगी, तो यहां पर आपको इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर देने की जरूरत नहीं। यहां पर आप एड्रेस दे देंगे, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, यानी एड्रेस ऑफ ए ले लिया, एड्रेस ऑफ बी ले लिया, यहां पे टर्मिनेट करके नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां लिख दीजिएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बस इतना ही आपको करना है। यहां पे टर्मिनेशन दे करके फिर यहां प्रिंट करवा दीजिएगा जो भी प्रिंट करवाना है। जैसे मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूं द एडिशन इस तरीके से ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इज
इज, ये लिख दिया। तो ये हम डोमिनेटेड कोर्स में चाहते हैं और यहां पर ये जाकर के स्टोर कहां होगा, ये स्टोर होगा सी में। तो यहां पर दे दीजिएगा परसेंट डी, क्योंकि यहां पर बात होगी फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि इंटीजर है तो परसेंट डी जरूर दे दीजिएगा और यहां पर लिख दीजिएगा सी, ठीक है ना। ये लिख दिया, ये हमारा प्रोग्राम बनकर के तैयार हो गया है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो है ना stdio.h यानी हेडर फाइल है ये हमारी, ठीक है ना। तो ये जो हेडर फाइल है ये लिखना जरूरी होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको हटा भी सकते हैं, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिए मैंने इसे हटा दिया है और यहां से इसको सेव कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां किसी भी नाम से इसे सेव करेंगे, तो यहां पर summ.c के नाम से इसको सेव करते हैं। अब इसको चलाएंगे हम, यहां से कंपाइल करवाएंगे, देखते हैं कंपाइल होता है या नहीं। तो ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, अब यहां से इसको रन करवा दीजिए। तो यहां पे देखेंगे एंटर टू नंबर्स लिखा हुआ आ गया है, ठीक है ना। यहां पे 7 एंटर करता हूं और यहां पर 8 एंटर करता हूं, तो यहां 7 और 8 का एडिशन यानी 15 आ चुका है, देख सकते हैं क्लियर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ा सा कि यहां पर इंटीजर डेटा टाइप हमने लिया, ठीक है ना। क्या लिया? इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर के जगह, अब इंटीजर में तो हम खाली प्लस या माइनस, यहां से एक बार इसको कंपाइल करवा लेते हैं, ये कंपाइल करवाया देन रन करवा लेते हैं। और रन करवाने के बाद क्या करना है आपको, यहां पे लिखना है 70.88, यानी मैंने लिख दिया है पॉइंट में, तो ये पॉइंट में तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यहां पर 70.88 लिखने के साथ ही यहां पर उल्टा सीधा यानी गलत रिजल्ट आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। ये प्रूफ है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को ही एक्सेप्ट करेगा, फ्लोट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी दशमलव वाली वैल्यूज ये नहीं लेगा, ठीक है ना। अब यहां पर वापिस से चलते हैं एक बार फिर से, यहां पर जो माइनस वाली वैल्यू है उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं -90 और फिर यहां लिखता हूं -7, तो -90 और 7 मिलाकर के क्या हो जाएगा -97, ठीक है ना। यहां पर ये ऐड कर रहा है माइनस को, लेकिन माइनस और प्लस के सिवाय ये डेसिमल वैल्यूज नहीं लेगा, क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। तो ये हो गया एडिशन। अगर हमको डेसिमल भी करना है तो क्या करना होगा, यहां लिखना होगा FLOAT फ्लोट, ये क्लियरली फ्लोट लिख दिया हमने, कंट्रोल एस करेंगे। सेव से दिक्कत हो तो आप अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर जरूर चेक कीजिएगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने परसेंट ही तो नहीं रख दिया है, तो इस वजह से दिक्कत हो सकती है। और यहां पर भी आपको परसेंट एफ करना होगा, जहां भी आपने परसेंट डी लगाया था वहां पर परसेंट एफ जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहां से कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लीजिएगा, और सेव करने के बाद यहां से अब क्या करना है, इसको चलाना है। तो इस प्रोग्राम को हम एक बार चला भी लेते हैं, तो यहां से कंपाइल और रन करवा लेते हैं। तो ये कंपाइल करवाया देन रन करवाया, यहां पर ये आ चुका है। अब यहां पर देखते हैं पॉइंट में वैल्यू जी एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो यहां पर 77.88 ये एंटर हो चुका है। अब दूसरा नंबर यहां पर एंटर करता हूं 67 या जो भी कुछ ऐसे है पॉइंट, यहां पे देख सकते हैं ये इस तरीके से 76.90। तो इन दोनों का एडिशन अब आना चाहिए। तो यहां पे देख सकते हैं इन दोनों का एडिशन जो है 154.77, यानी कि करेक्ट एडिशन कैलकुलेट हो जा रहा है, जबकि हमने यहां पे फ्लोट डेटा टाइप का यूज किया है तब, ठीक है। इसी तरीके से कैरेक्टर का क्या यूज है उसको देख लेते हैं, कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो इन सबको मैं हटाता हूं यहां से, ठीक है। यहां पर कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिखता हूं कैर, कैरेक्टर के लिए क्या लिखते हैं, कैर डेटा टाइप लिखते हैं। यहां पे कैर डेटा टाइप का यूज किया और यहां पर एक हमें वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया और इज इक्वल टू सिंगल कोटेड कॉमा के अंदर आपको जो लिखना है वो लिखना है, ठीक है ना। तो सिंगल कोटेड कॉमा यहां पर लिखा मैंने एस, ठीक है, एस लिख दिया सिंगल कोटेड कॉमा में। और सिंगल कोटेड कॉमा में लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां से टर्मिनेशन देना है। और टर्मिनेशन देने के बाद अब हम क्या करेंगे, एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पे लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ ये पाइथन नहीं है, ये सी लैंग्वेज है, तो यहां पर आपको पूरा प्रिंट एफ लिखना होगा, क्लियर है। अब प्रिंट एफ लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर लिख देना है उसका नाम, किसका नाम लिखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का जो कि कैरेक्टर का होता है। तो कुछ देर पहले मैंने बताया था परसेंट सी जो है कैरेक्टर के फॉर्मेट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, तो यहां पे डबल डॉटेड कोट्स में लिखिएगा परसेंट सी, ठीक है ना। ये लिख दिया परसेंट सी, और परसेंट सी लिख करके आगे क्या करेंगे, जैसे जो हमने दिया था उसी का नाम यहां पे दे देंगे। जैसे हमने नेम दिया था तो यहां पे लिख देंगे नेम, NAME, ठीक है ना। तो यहां लिख दिया NAME नेम, नेम ही हमने दिया था वेरिएबल का नाम, तो यहां पे देख सकते हैं नेम दिया गया है। और यहां से टर्मिनेशन दे देंगे। तो अब एक बार इसको कंपाइल रन करवाते हैं, देखते हैं ये चलता है या नहीं। तो यहां पे जाकर के इसको रन करवा लिया, तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे एस प्रिंट होकर के भी आ रहा है। ये देखिए यहां पर एस ये प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहां एस की जगह कुछ और दे देता हूं, ध्यान दीजिएगा,
यहां पे एस के जगह कुछ और दे देता हूं, आई दे देता हूं, कैपिटल आई, तो ये कैपिटल आई को भी प्रिंट करेगा, ठीक है ना। मैं एक बार करा के भी दिखा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको पहले यहां से बंद कर देता हूं जो पुराना आउटपुट है, और यहां से कंपाइल देन रन करवा देता हूं। तो यहां पे देखेंगे तो ये कैपिटल आई भी प्रिंट कर दे रहा है, तो ये कैरेक्टर है। और एक और होता है डबल डेटा टाइप, तो डबल का भी यूज कर सकते हैं, डबल में भी आप डेसिमल वैल्यूज लेके आ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। और कल फिर शाम को 7 बजे, आज किसी वजह से सही से क्लास नहीं हो पाई, तो शाम को 7 बजे लाइव जरूर जुड़िएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।